वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, वंदे वृक्षम। मैं आज आपको अपने 25 एकड़ का खेत घुमाना चाह रहा हूँ, जो पहाड़ों के बीच में, जंगल के बीच में है, पत्थर वाली जगह पे। इस पर मैंने नक्षत्र वाटिका बनाए हैं, और कैसे आप अपने खेत को बहुत अच्छा बना सकते हैं, इसका आज पूरा मॉडल है। यहाँ दुनिया की सबसे अच्छी वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब बिना पानी की खेती, जिसमें मतलब हम वर्षा के पानी को संरक्षित करके उससे हम दो फसल ले सकते हैं, जो हमारी बरसात की फसल है, उसके अलावा हमारी गेहूं, चावल, दाल हम फसल ले सकते हैं। तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग, यहाँ पानी की बूंद बूंद को संरक्षित किया जाता है। और कैसे नक्षत्र वाटिका हमने यहाँ डेवलप की, नक्षत्र वाटिका में जैसे हमारे पेड़ पौधे हैं, कुचीला, आंवला, गुलर, जामुन, खेर, शीशम, बांस, पीपल, बरगद, रीठा, बेल, अर्जुन, चीड़, शाल, ऐसे अलग अलग अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, नक्षत्र वाटिका के हिसाब से हमने पूरी एक नक्षत्र वाटिका डेवलप की, जिसको हम बुढ़ापे का पेंशन कहते हैं। बरसात के पानी को संरक्षित करने के कारण हमारा धरती का पीएच नॉर्मल या समान हो जाता है, जिससे हमारी धरती की पोषण लेने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा है कि हमने हर एक एक एकड़ में 15x15 का गड्ढा या कुआ बनाया है, और उसकी गहराई हमने 15 फीट से 20 फीट रखी है, तो हर एक एक एकड़ में ऐसे 15x15 के कुएं या गड्ढा बनाने के कारण हमारी पानी का संरक्षित बहुत अच्छे से हो जाता है। तो वीडियो के माध्यम से आगे की हम आपको पूरी जानकारी देंगे। मालू जी की पाठशाला लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। और ये दुनिया के सबसे अच्छी वाटर हार्वेस्टिंग कैसे है, तो आप यहाँ पे ये देखिए, हमने यहाँ पे यहाँ की खुदाई करके ऐसे छोटे छोटे कुएं बनाए हैं, और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे इस पूरे मकान का पानी इसमें जाता है। इसमें जाने के बाद यहाँ पे हमने चैम्बर बनाया, और ये पाइप से इस कुएं में यहाँ पानी चले जाता है। वैसे ही हमारी जो ये गौशाला है, इस गौशाला का पूरा पानी भी यहाँ से आप देखिए तो यहाँ पे चले जाता है इस कुएं में, ये जो बना हुआ है। और इसके अलावा ऐसे हमने, ये आपको दिख रहे हैं कि इस तरीके से हमने यहाँ पे पानी स्टोरेज के लिए छोटे 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 तालाब बनाए हैं। ऐसे 4 तालाब बनाए हैं, जिससे हमारा ये वर्षा का, अभी ठंड का समय चल रहा है, देखिए हमारा पानी संरक्षित है। इसके अलावा 8 छोटे 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 हमने देखिए कुएं बनाए हैं वहाँ पे, ये कर रहा है। यहाँ हमारे चारों तरफ मेड़ों में आप देखेंगे तो आपको चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखेंगे। और ये पेड़ के अलावा हमारी जो छोटी जगह जहाँ हम नहीं लगा सकते, वहाँ हमने गिली सीढ़ियाँ लगाएं, जो नाइट्रोजन का भंडार है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम कैसे वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। तो हमने यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग पानी के संरक्षक के लिए हमने यहाँ पे 4 छोटे 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 हमने तालाब बनाए हैं, और इसके अलावा 8 हमने छोटे छोटे ऐसे कुएं खोद के डालाए हैं। क्योंकि जो पानी का संरक्षक यहाँ पे होता है, अगर हमारी ज़मीन से पानी कम हो गया तो हमारा पीएच बिगड़ जाता है, और इसी पानी से अगर हमारी धरती में पानी अच्छा हो तो हमारी खेती बहुत अच्छी होगी। तो आज मैं आपको कैसे आप 25 एकड़ का या अपना 10 एकड़ का खेत आप डेवलप कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने जो नक्षत्र वाटिका बनाए हैं, इसको हमने ऐसे पूरा संरक्षक करके बनाए हैं, जिसमें हमने पूरी फाइलिंग तैयार की है। इस फाइलिंग में आप देखेंगे कि इसमें हमने इसके प्लांट के नेम, इसका हिंदी का नाम, साइंटिफिक नेम, इसके क्या काम आते हैं, पूरी हमने ऐसे हमारी नक्षत्र वाटिका के पूरे देखिए ऐसे पौधे लगा के पूरा संरक्षित किए हैं। आप ये वाली फाइल भी देखेंगे तो इसमें भी आपको पूरा मिलेगा। ये देखिए कैसे हम लोगों ने इसके इंग्लिश नाम, हिंदी नाम, साइंटिफिक नेम, और कैसे पौधे की एक एक लगा के हमने इसका पूरा तैयार किया नक्षत्र वाटिका। तो आप देखेंगे कि इस 25 एकड़ में हम लोगों ने 8 एकड़ फलों का पूरा एक जंगल बनाया है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 12 एकड़ में तिलहनी, मतलब तुअर की दाल की फसल लगा है। इसके अलावा मौसम के हिसाब से अलग अलग फसलों के लिए हम 7-8 एकड़ में गेहूं, धान, अलग अलग फसलें लगाते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो पूरी हमारी 12 एकड़ में देखिए जहाँ तक आपकी नज़र आ रही है, हमने तुअर का जंगल बनाया है, जो पेड़ प्रजाति का होता है, और आज गवर्नमेंट के रेट में वो 7 से 10 हज़ार रुपये कुंटल बिक रहा है। तो मैं आज आपको पूरा अपना फार्म हाउस, पूरा खेत घुमाऊँगा, कैसे हम 25 एकड़ गौधारित खेती करके हमने कैसे मॉडल डेवलप किया। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम यहाँ
बैलों से खेती करते हैं। जी हाँ, हम बैलों से खेती करते हैं। आप यहाँ ये पूरे इक्विपमेंट्स देख सकते हैं, जिसमें हम यहाँ पे इससे बोनी करते हैं। बोनी के अलावा यहाँ पे इस घार बना के इससे भी आप डायरेक्ट बो सकते हैं। ऐसी पूरी हमने व्यवस्था बना है। देखिए, सौर ऊर्जा से चलने वाली ये हमारी बैलगाड़ी है। इस बैलगाड़ी को हम चारों तरफ ऐसे फैला देते हैं। हमारा देखिए सागौन का जंगल है, यहाँ पे हमारी ये गोबर खाद बनती है। इस गोबर खाद के अलावा हम लोगों ने यहाँ पे जीवामृत, पंचामृत ऐसे करके बनाया, जिससे हम यहाँ पे स्प्रे का पूरा बनाते हैं। और यहाँ पे पेड़ों के कारण घनी छाव है और ऊपर से हरा मैट भी डाले हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे गौ आधारित खेती से हमने बनाए हैं और यहाँ बैल से खेती करते हैं।